हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ दिवाली से संबंधित। तो दोस्तों, आपको पता है कि दिवाली आ गया है, कि अगर आपके पास कोई फोटो है तो उसमें आप चाहें तो दिवाली वाला फोटो में आप फ्रेम लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे अच्छे फ्रेम मिल जाएंगे, दिवाली के शुभकामनाएँ या बहुत सारे प्रकार के मिल जाएंगे। तो मैंने एक बनाया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे बनाया है। अगर आपके पास एक फ़ोटो है तो आप दिवाली का किसी को भी शुभकामनाएं भेज सकते हैं अपने फ़ोटो लगाकर। तो कैसे बनाए जाते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, एक आपको एप्लीकेशन की जरूरत होता है, तो वो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिलेगा, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है दिवाली फोटो फ्रेम, ठीक है। दिवाली फोटो फ्रेम जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन देख सकते हैं, दिवाली फोटो फ्रेम देख सकते हैं, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। देख सकते हैं, आपको यही वाला आइकॉन देख लेना है और डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी कर लीजिए। चलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ओपन कर लूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, परमिशन उसने दे दिया है, बना के भी चेक किया है कैसा बनता है नहीं बनता है। तो चलिए आप करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ दिवाली का ऑप्शन आ रहा है ना, फिर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐड आएगा क्योंकि एड इसमें लाजिम है आने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको साइड कर देता हूँ। और इस फोटो को बनाने के लिए आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए और नेट चालू करके ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में दिया है फ़ोटो का, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल में फ़ोटो होगा वो ओपन हो जाएगा आपका गैलरी, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा उसको क्लिक करना है। चलिए मैं, मेरा बहुत सारा फ़ोटो है, मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो है, मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपका क्लिक एक सौ करेंगे तो बीस यहाँ पे ऑफ देखिए एड आ मैं जाएगा, तो गूगल पे एड को कर रहा आपको हूँ, मेरे स्केप पास कर तो देना सिर्फ है। ये जैसे बात करेंगे फिर देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो रहेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपको जितना चाहिए वो आपको सेट कर लेना है इधर उधर करके, ठीक है। तो मेरे को ऊपर को वाला ही चाहिए, मैं इसे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे दो साइन दिखाई ना, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे आप इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ देखने लगेंगे, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए कैसे हो गया। तो इस तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो आपको देख लेना है कि कैसा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर आपको देखिए फ़ोटो फ्रेम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो फ्रेम है, आप अपने हिसाब से जो भी फ़ोटो फ्रेम चाहिए वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो तो बहुत सारा बना लिया है फ़ोटो, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इधर उधर होने लगेगा इस तरह से। आप चाहें तो मेरा इस तरफ है तो इसको आप घुमा सकते हैं अपने तरफ से, अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, जो भी जिस तरह फ़ोटो जूम करते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ही ऐसे कर लेना है, अपने हिसाब से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर यहाँ पे और भी फ्रेम यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आपको ये फ्रेम अच्छा नहीं लगा देखने के बाद तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी फ्रेम फिर से दोबारा चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से ओके हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डन दिया है इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको इफेक्ट डालना है अगर फोटो पे, तो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करिए। अब अपने हिसाब से आप कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप चाहें तो इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे, ये भी हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे मेरा फिनिश हो गया, अगर यहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश में भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए ये आपका फ़ोटो इतना अच्छा दिखने लगा, फिर यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो सेव का ऑप्शन रहता है वही डाउनलोड है, तो यहाँ पे क्लिक करिए डाउनलोड का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, ऐड आएगा, तो आपको ऐड को बैक कर देना है यहाँ से।
फिर यहाँ पर देखिए अब टेक्स का ऑप्शन आ गया। आप ब्राइटनेस भी चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्राइटनेस कम बेस कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं ब्राइटनेस का रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ इस पर इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो बार टैप करना है, तो देखिए ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। तो जो भी आपको लिखना है यहाँ पे क्लिक करिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैप्पी दिवाली। लिखने के बाद यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है कि कैसा आपको चाहिए, कैसा दिखना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ा लेटर वाला ही रहने देता हूँ ऐसा। फिर यहाँ पे आपको कलर चूज़ कर लेना है, यहाँ पे बहुत सारा कलर दिया है, आपको जो जो भी कलर चाहिए वो ले लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक कलर है, मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा ये वाला। इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसको मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ पे फिक्स शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप हटा भी सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ऐसे, अब ये अच्छा दिख रहा है, तो ये हो गया फिर से। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्टिकर का, आप चाहिए तो स्टिकर भी लगा सकते हैं अपने वीडियो में। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर ये स्टिकर देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ पर सेट करिए, इसको जूम करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपने हिसाब से कर लेता हूँ यहाँ पे। इस पर लिखा है हैप्पी दिवाली, मैं इस पर ले लिया। और फिर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब आपको करना क्या है, टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट जो चाहिए वो लिख सके, फिर से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे अच्छा है। अब यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको PNG चाहिए, JSP चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PNG वाले पे ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा सेफ हो गया, देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आपको, अगर यहाँ से आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से शेयर करने का ऑप्शन दिया है, एडिट करने का ऑप्शन दिया है, पर मैं यहाँ पे होम का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर दूंगा, तभी क्या होगा, सेफ हो गया, ठीक है, अब फिर से होम पेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेफ कर सकते हैं, वीडियो फोटो बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो फ्रेंड आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।